हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशन्स ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। आज विकास खंड तीसा के अंतर्गत ग्राम पंचायत चांजू एवं देहरा में वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कि भारत सरकार कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के सभी किसानों को वर्चुअल माध्यम से किसान कार्ड बनाने हेतु एवं किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं जानकारियां संबंधी विचार साझा किए। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री द्वारा भी वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कृषकों को संबोधित किया गया। इस आयोजन में स्थानीय ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, साथ ही आए हुए कृषकों के किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाए गए और किसान क्रेडिट कार्ड बनाने वाले किसानों की फसल का बीमा बैंक के माध्यम से स्वतः ही हो जाता है। फसलों में नुकसान होने के बाद कृषक बीमा कंपनी द्वारा फसल के नुकसान की एवज में मुआवजा राशि लाभार्थी के खाते में डाल दी जाती है, संबंधी सभी किसानों को जागरूक किया गया। इस आयोजन में दोनों पंचायतों के पंचायत प्रतिनिधि एवं सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश कुमार, सीएससी संचालक चांजू पंचायत से। आज यहां पे चांजू पंचायत में सीएससी द्वारा जो है बीमा योजना का आज़ादी का अमृत महोत्सव में बीमा योजना के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी, जिसका लाइव प्रसारण हो रहा था और हमारे कृषि मंत्री जी जो है इसमें सारा कुछ बता रहे थे। इसमें आपको फसल के बारे में बताया कि किस किस फसल का कैसे बीमा ले सकते हैं आप, किस तरह से फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए गाँव में लोगों को इतनी सारी नॉलेज नहीं होती है। आज अगर बारिश नहीं हो रही, जितनी भी फसल नुकसान हो रही है, बर्बाद हो रही है, उस सारी एक एक चीज़ का जो है मुआवजा दिया जाता है, लेकिन उसके बारे में किसान को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हर एक फसल का बीमा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उस मुआवजे का पूरा फ़ायदा ले सकें। आज पंचायत में इस चीज़ के बारे में जो है जानकारी दी गई, दर्जनों किसान यहाँ आए हुए थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ध्यान से सुना, और हमारे मंत्री साहब ने भी काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में सब कुछ समझाया, लोगों से बातचीत हुई, सभी लोगों की राय जानी। और जहाँ तक देखा जाए लोग ऐसे अवसरों में आते हैं, बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, उन्हें जानकारी मिलती है, तभी वो इस चीज़ का फ़ायदा ले सकते हैं। और आगे भी अगर कोई किसान इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहता है तो सीएससी में आके इसके बारे में विस्तारपूर्वक जो है जानकारी प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। मैं रामदयाल प्रधान, प्रधान ग्राम पंचायत देरा। कृषि मंत्री का जितना भी हमने वक्तव्य सुना वो बहुत हमें अच्छा लगा। इसमें मतलब हर किसानों को प्रावधान होगा, हैं जी, हर चीज़ की जो है सुविधा प्राप्त होगी। मंत्री भारत सरकार द्वारा जो किसान योजना के तहत जो जो किसानों को बताया गया बहुत अच्छा लगा, और जिससे किसानों का उत्थान होगा, जिसके लिए आज सभी किसान जो है भारी मात्रा में यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने अपने फायदे के लिए से मैं भाग लिया। हम सभी किसान भाई कृषि मंत्री के आभारी हैं जो उन्होंने हमें ये सलाह दी और सब कुछ हमें प्राप्त होने का सब कुछ रास्ता बताया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ग्राम पंचायत चांजू उप प्रधान श्री देवी राम जी। आज के फसल बीमा योजना पाठशाला शिक्षा से फसल सुरक्षा के बारे में दर्जनों लोगों ने जानकारी दी गई। इसमें दर्जनों लोगों इसमें भाग लिया। फसल बीमा में योजना के तहत जागरूक किया गया, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया गया और इन योजनाओं का लाभ उठाया गया। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए तीसा से दिलीप सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।